नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 74वां गणतंत्र दिवस पर सीएम और डिप्टी सीएम ने दी बधाई। बिहार को मिलेंगे 7 आईएएस अधिकारी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल ने कही ये बात। पद्मश्री पुरस्कार विजेता बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार ने कही ये बात। शुभमन गिल ने अपने पसंदीदा बल्लेबाज का खुलासा करते हुए बताई अहम वजह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। आज देश का 74वां गणतंत्र दिवस है, ऐसे में आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं अगर बात बिहार की जाए तो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इससे पहले राज्यपाल ने खुली जीप में बैठकर परेड का निरीक्षण लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन गांधी मैदान में बिहार सरकार के द्वारा कुल 12 झांकियां निकाली गई, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं पर आधारित थी। वहीं आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपने अपने घर पर तिरंगा फहराया गया और सलामी दी गई। 74वां गणतंत्र दिवस पर सीएम और डिप्टी सीएम ने दी बधाई। आज पूरे देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन किया और कहा कि उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। हमारा गणतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों एवं भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी अनेकता में एकता की अभिव्यक्ति का संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपसे भाईचारा, शांति एवं सद्भावना बनाए रखना है, क्योंकि इससे प्रगति है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें इस पवित्र अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के मान सम्मान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने आजादी के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को नमन किया। बिहार को मिलेंगे 7 आईएएस अधिकारी। बिहार को जल्द ही 7 आईएएस मिलने वाले हैं, जो बिहार के सभी विभागों में तैनात और गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। राज्य सरकार ने पदोन्नति से आईएएस अधिकारी बनने के लिए स्थानीय स्क्रीनिंग के आधार पर इन सेवा के राज्य के 29 अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी थी। बता दी कि मिली जानकारी के अनुसार इन 7 अधिकारियों की सूची यूपीएससी अनुशंसा करके केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और बिहार सरकार को भेज दी गई है। इसमें बिहार वित्त सेवा के 3, बिहार सेवा के 2 और बिहार कृषि सेवा के 2 के अधिकारी हैं। इस संबंध में प्रशासन के द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल ने कही ये बात। गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे बेहतर काम से सूबे की सूरत बदल रही है। हर सेक्टर में काम किया जा रहा है। राज्य सरकार बेरोजगार को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए संकल्पित है। अब तक राज्य में 28,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। सरकार के द्वारा सभी रिक्त पदों की पहचान की जाएगी और साथ ही नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। राज्य में सड़क पुल पुलियों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही राजधानी पटना में भी आधारभूत संरचना के विकास पर काम किया जा रहा है। हर घर नल का जल योजना के तहत सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिहार के इन 3 लोगों को मिला पद्मश्री अवार्ड। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार से मधुबनी की सुभद्रा देवी जी का नाम शामिल है, जिन्हें उनकी कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इनके अलावा पटना से गणितज्ञ आनंद कुमार जी को शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में और नालंदा से कपिल देव प्रसाद जी को कपड़ा कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट कर इन 3 पद्मश्री अवार्ड विजेता को शुभकामना देते हुए कहा गया है कि बिहार के मधुबनी की श्रीमती सुभद्रा देवी जी को कला के क्षेत्र में, नालंदा के श्री कपिल देव प्रसाद जी को कला के क्षेत्र में तथा पटना के श्री आनंद कुमार जी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कुशवाहा का जेडीयू में हिस्सेदारी मांगने पर मुख्यमंत्री का जवाब। बीते दिन जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह साफ कह दिया गया था कि वे जेडीयू में अपनी हिस्सेदारी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। वहीं अब इनके इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बार फिर उन पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वे आराम से पार्टी में बैठकर बात कर सकते हैं। यूं बार बार वे ट्विटर और
मीडिया के बीच जाकर क्या कहना चाहते हैं ये तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही बता सकते हैं। वह 3 बार पार्टी छोड़कर गए और फिर आए, हमने उनका स्वागत किया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी, लेकिन अब उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे जरूर कुछ बात है। अगर वे पार्टी में रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। छठे चरण में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी। बिहार के छठे चरण के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि शिक्षा मंत्री के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान किए जाएंगे। मालूम हो कि नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी प्रमाण पत्र सही है तथा गलत सूचना देने पर नियोजन इकाई के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार छठे चरण के शिक्षकों को 31 मार्च 2023 तक वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार का यह जगह पर्यटकों को आ रहा खूब पसंद। बिहार पर्यटन की कोशिशों का असर 2022 में देखने को मिला। बता दें कि 2022 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि सितंबर माह तक बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार कर गई है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा सभी सर्किट को विकसित कर पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने का योजना बना रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार अब पर्यटकों के मामले में देश की टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार अब इस लिस्ट में 9वें स्थान पर गया है, वहीं 10वें स्थान पर गोवा है। मालूम हो कि बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों को सबसे ज्यादा बोधगया, राजगीर और वैशाली जिला पसंद आ रहा है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार ने कही ये बात। बीते दिन शाम को पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की नाम की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के 3 लोग शामिल थे। इन 3 पद्मश्री विजेताओं में से एक बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार का भी नाम शामिल था। वहीं इस घोषणा के बाद आनंद कुमार ने ट्वीट कर सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की, विशेष आभार, आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अग्निवीर बहाली में हुआ बदलाव। अग्निवीर बहाली में लगातार बढ़ते भीड़ को देखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि पहले की तुलना में अब पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद इसमें सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा और फिर मेडिकल और ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना होगा। हालांकि कितने प्रश्न होंगे, कितना समय दिया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बता दें कि बदले गए इस को फरवरी 2023 से लागू किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीर में अगली बहाली के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 5 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। बिहार सरकार के द्वारा 12 वर्ष पुराने मामले का निपटारा करते हुए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाली 5 कंपनियों को काली सूची में डाल दिया गया है। यानी कि अब ये सभी कंपनियां अगले 1 वर्ष तक राज्य सरकार की किसी भी निविदा में भाग नहीं ले सकेगी। इस बात की जानकारी 5 कंपनियों को करा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के गठन और निगम के स्तर पर केंद्रीकृत औषधि खरीद की व्यवस्था लागू करने से पूर्व जिला स्तर पर सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षक के द्वारा सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद की जाती थी और महालेखा करके अकेंशन दल द्वारा ऑडिट किया जाता था। उपेंद्र कुशवाहा को जीतन राम मांझी की नसीहत। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा गया है कि जेडीयू के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को बहुत सम्मान दिया गया है। पार्टी के अंदर उनकी बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बाद भी अगर वे जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो उनका यह फैसला गलत होगा। उन्हें बीजेपी में जाने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दरअसल इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच खींचतान चल रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा नीतीश कुमार को यह साफ कह दिया गया कि वे जेडीयू में अपने हिस्से को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पार्टी कमजोर हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ललन सिंह ने दिया ये जवाब। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा अपने लखीसराय दौरे के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के दिए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि किसी को कोई साइड नहीं करता। आरसीपी सिंह को भी कोई साइड नहीं किया गया था, वो खुद जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उन्हें पार्टी से किनारे करने की कोशिशें की जा रही है ताकि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सके।
सुमन गिल ने अपने पसंदीदा बल्लेबाज का खुलासा करते हुए बताई अहम वजह। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद गिल से एक ट्रिकी सवाल किया गया, जिसमें उन्हें विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से किसी एक को चुनने को कहा गया, जिसके बाद सुमन गिल ने कोहली को चुना और उसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से विराट भाई, क्योंकि सचिन सर वो कारण है जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की। मेरे पिता उनके बड़े प्रशंसक रहे हैं। जब सचिन सर ने संन्यास लिया तब मैं बहुत छोटा था कि क्रिकेट समझ पाता, और जब मैंने क्रिकेट समझना शुरू किया तो कहूंगा कि विराट भाई, क्योंकि मैंने उनसे बल्लेबाजी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सलीम भाई, नुशरत बनू, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, प्रिंस कुमार, पीयूष, मुटू रंगीला, कुलदीप कुमार, नन्नू गोलू कुमार, कुमारी संजना, रवि शंकर, अखिलेश यादव, बाबूलाल मरांडी, उमेश ऋषिदेव, महमूद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सभी ने गणतंत्र दिवस कैसे मनाया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।